Hello friends, here I am Dr. Suman Agarwal, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon from Grey Skin Clinic, Surat. आज हम बात करने चाह रहे हैं डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, मिलाज्मा, जो भी कह लीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में. इनके बारे में मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ है, लेकिन वीडियो के कमेंट सेक्शन में और आमतौर पे जब हम मुझे लोग कंसल्ट करते हैं या मिलने आते हैं, तो जो उनकी क्वेरीज होती है, क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाए हैं. इसमें मैं आपकी कॉमन क्वेरीज सॉल्व करना चाहती हूँ. एक कॉमन क्वेश्चन है कि पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट कब शुरू करनी चाहिए. पिगमेंटेशन, झाइयाँ, मेलाज्मा या कोई भी तरह का पिगमेंटेशन आपको हो, उसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए. जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना ही अच्छा है. इसके लिए एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, चाहे छोटी एज में या बड़ी एज में. आपको जब पिगमेंटेशन शुरू हुआ है तभी उसका ट्रीटमेंट करने से बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं. दूसरा एक कॉमन सवाल लोगों को होता है कि क्या इलाज सेफ है. ओके, देखिए, डर्मेटोलॉजिस्ट कभी भी आपका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो सेफ्टी को ध्यान में रख के ही करते हैं. तो जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड और आपकी बॉडी को ओवरऑल भी ठीक रहेगा, वही ट्रीटमेंट वो आपको देंगे, चाहे वो क्रीम के फॉर्म में हो, कुछ गोलियों के फॉर्म में हो, या ट्रीटमेंट लेज़र के फॉर्म में, केमिकल पील्स या कोई और प्रोसीजर के फॉर्म में हो. तो सेफ्टी ध्यान में रख के ही किया जाता है. इन सब ट्रीटमेंट के लिए कोई भी एक एज नहीं है कि इस एज से कम में नहीं करना चाहिए या इस एज के बाद नहीं करना चाहिए या ये एज से शुरू करना चाहिए, ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है. वो डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको के डिसाइड करते हैं कि आपके हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से क्या स्टेज पे ट्रीटमेंट शुरू करना ठीक रहेगा. एक और कॉमन सवाल है कि क्या ट्रीटमेंट करने के बाद ये फिर से आ सकता है कि नहीं. पिगमेंटेशन आपको रिबाउंड हो सकता है, रिकरेंस हो सकता है, क्योंकि पिगमेंटेशन ज़्यादातर उसके जो रीजंस हैं वो ऐसे हैं जो आपको बाद में भी हमेशा रहेंगे ही, लेकिन अगर आप मेंटेन अच्छे से करते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको वापस पिगमेंटेशन हो. मेंटेनेंस क्या है और क्यों ज़रूरी है? मेंटेनेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिगमेंटेशन के, मेलाज्मा के, झाइयों के जो भी कारण हैं वो यूजुअली बाद में भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं. उनको हमेशा के लिए मिटा देना पॉसिबल नहीं है ट्रीटमेंट से. ट्रीटमेंट का मेन एम होता है जो पिगमेंटेशन हुई है उसको ठीक करना, लेकिन बचाव करना ज़रूरी है, इसलिए मेंटेनेंस ज़रूरी है. एक और कॉमन क्वेश्चन है कि क्या ट्रीटमेंट के बाद ये वापस हो सकता है, तो ट्रीटमेंट कराने का क्या फ़ायदा है? देखिए, ट्रीटमेंट हम इसलिए करा रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन है, मतलब आज की डेट में जो आपको पिगमेंटेशन है वो हम कम से कम कर सकें या उसको मिटा सकें. तो ट्रीटमेंट कराने से जब वो लाइट हो रही है तो ट्रीटमेंट का डेफिनेटली आपको एडवांटेज हुआ है. फिर से होगा तो वो जो स्टेज तक आप ले आए हैं उसको, जितना फ़ायदा हो चुका है उस स्टेज से आगे बढ़ेगा, ना कि वो स्टेज से आगे बढ़ेगा जो आपने ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले आपकी स्टेज थी. अगर आप ट्रीटमेंट लेते ही नहीं हैं तो जो फाइनल पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा होगी. अगर ट्रीटमेंट से इम्प्रूवमेंट हुआ है तो फाइनल पिगमेंटेशन कम होगी. इसलिए ट्रीटमेंट कराने से आपको ज़रूरी फ़ायदा होगा. क्या बार बार ट्रीटमेंट कराना, मतलब पील कराना या लेज़र कराना सेफ है? कितनी बार करा सकते हैं? इनकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती कि आप 5 बार, 10 बार या इतनी बार ही करा सकते हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट ये चीज़ अच्छे से समझते हैं कि आपकी स्किन के लिए क्या सेफ है और क्या नहीं, तो वो उतना ही ट्रीटमेंट आपको देंगे जिसमें आपको फ़ायदा हो और कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो. लेकिन ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतनी बार ही पील करा सकते हैं या इतनी बार ही लेज़र करा सकते हैं. तो अगर आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ही ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी. मैक्सिमम लिमिट क्या है? ट्रीटमेंट कब तक कराना चाहिए? यूजुअली हम ट्रीटमेंट तब तक करते हैं जब तक आपको इम्प्रूवमेंट आ रहा हो. ट्रीटमेंट स्टॉप करने का यूजुअली कारण ये होता है कि या तो आपको जितना डिज़ायर्ड रिजल्ट था वो मिल चुका है, या
अब ट्रीटमेंट चेंज करने के बावजूद जो भी हमारे पास ऑप्शंस है वो सब ट्राई करने के बावजूद या तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, या फिर जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था उतना हो चुका है। यूजुअली इन दोनों ही स्टेज में हम ट्रीटमेंट स्टॉप करना एडवाइस करते हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं है, फिक्स नंबर ऑफ सिटिंग्स नहीं है कि इतने के बाद हमें रुकना पड़ता है। ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद क्या स्किन पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी? जी नहीं, जब ट्रीटमेंट में आपको फ़ायदा हुआ है वो फ़ायदा हमेशा रहेगा, लेकिन उस स्टेज से अगर आप मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो धीरे धीरे स्किन ख़राब होना शुरू होगी। लेकिन कभी भी वो बिना ट्रीटमेंट के जो स्टेज हो सकता था उस स्टेज जितनी ख़राब नहीं होगी। इसलिए ट्रीटमेंट से जो एडवांटेज हुआ है वो आपको लॉन्ग रन में एक तरह से एडवांटेज रहता ही है। ट्रीटमेंट से क्या स्किन में ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, स्किन पतली हो जाएगी या दूसरा कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा? नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट जब आपका ट्रीटमेंट झाइयों के लिए या पिगमेंटेशन के लिए करते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट के दौरान आपको दूसरी कोई भी दिक्कत ना हो या दूसरा कोई स्किन इश्यूज़ ना हो या हेल्थ इश्यूज़ भी ना हो, तो वो सेफ्टी लिमिट में रह के ही आपका ट्रीटमेंट करते हैं। और ज़्यादा करके पिगमेंटेशन के जो भी ट्रीटमेंट है उससे झुर्रियाँ बेटर ही होती हैं। अगर आपको फाइन रिंकल्स हैं, कील मुहासों के भी दाग धब्बे हैं तो वो भी कम होते हैं, आपकी ओवरऑल स्किन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव ही होती है, ना कि वर्सन होती है, ख़राब नहीं होती है। इसके सिवा भी अगर आपके पिगमेंटेशन से रिलेटेड, डार्क स्पॉट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, और अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।